जीवन में महान परिवर्तन लाने के लिए क्या आप भ्रमित हो, कंफ्यूज्ड हो? तो हमारे साथ बने रहे इस चैनल पर। हमारा चैनल और वीडियो आपको महान परिवर्तन लाने में मदद करेगा। सो प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आप किस क्षेत्र में परिणाम चाहते हैं? स्टडीज, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप इन सोसाइटी या क्रिएटिव वैल्यूज इन पीपल्स लाइफ? हम आपके जीवन से संबंधित 15 विषय कवर करेंगे। Practice these tools step by step and you will have great results. हमारा सबसे पहला टूल है, वो क्या है जो आपको पूरी तरह से जीवन जीने से और महान परिणाम प्राप्त करने से रोक रहा है? क्या वो फाइनेंशियल कंडीशन है? क्या समय की कमी, सपोर्ट की कमी या सामाजिक प्रतिबंध? मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जब हम इस सारी बातों के बारे में सोचेंगे, हमें यह ध्यान में आएगा कि बहुत से लोग इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं। तो फिर आपको आपका जीवन पूरी तरह से जीने से कौन रोक रहा है? एक उदाहरण लेते हैं कि आपने डेली एक्सरसाइज करने का निश्चित किया है। आपने अपना दूसरे दिन के लिए सुबह का अलार्म सेट किया है। सुबह अलार्म बजता है और आपको थॉट आता है, अरे नहीं, पूरी तरह से आराम नहीं मिला है, कल करते हैं, और आप सो जाते हैं। और यही चीज हम हर सुबह करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए आप 2 घंटा पढ़ेंगे, बट देन थॉट आता है कि अभी तो 1 महीना बाकी है, कल भी कर सकता हूं। आपके जीवन में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका इस पर कोई नियंत्रण है? तो चलो देखते हैं आपको आपके इरादों को पूरा करने से कौन रोक रहा है। कंसिडर दिस एज अ पॉसिबिलिटी। हमारे दिमाग में कंटिन्यूस कमेंट्री का वॉइस होता है, ये 2400 घंटे चलता ही रहता है। यह आपको लोगों के बारे में ओपिनियंस और जजमेंट्स देता है। यह आवाज हमेशा नकारात्मक होती है, यह केवल आपको डाइवर्ट करने में रुचि रखता है। इसे रोका नहीं जा सकता। यह आवाज आपके जन्म के वक्त शुरू हुई थी और मरते दम तक चलती रहेगी। और इस छोटी सी आवाज ने हमारे जीवन को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। यह छोटी सी आवाज इतनी पावरफुल कैसे है? इसका नियंत्रण कैसे होता है? क्योंकि इसे कभी पहचाना नहीं गया। हमारा भ्रम होता है कि यह मैं हूं, मैं खुद हूं। आवाज आती है, आप मानते हैं और आपका भ्रम हो जाता है कि ये मैं हूं। और यह सब बहुत
बहुत जल्दी हो जाता है और हम नोटिस भी नहीं करते। द ओनली थिंग यू से इज मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूंगा या आज से पढ़ाई शुरू नहीं करूंगा। सो ये आवाज 24 घंटे चलती रहती है, हमारी जिंदगी चलाती और उसे बर्बाद करती है। हम इसे नहीं रोक सकते, हमारी ऊर्जा खत्म करती है और हमेशा नकारात्मक होती है। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? ऐसा समझिए कि आप सभी तक अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थे, उसे रस्सी मानकर, और आपको आपके परिवार वालों ने बताया कि वह रस्सी नहीं, वही एक सांप है। आप क्या करेंगे? सहज रूप से आप उसे छोड़ देंगे, नहीं तो वह आपको काट सकता है। यही आपकी छोटी आवाज से रिलेटेड है। अभी तक आपको पता नहीं था कि ये आवाज आप नहीं हो, अभी तक वो आपकी जिंदगी चला रहा था, लेकिन अभी हम वो आवाज को खुद से अलग कर सकते हैं। जब हम इसे पहचान लेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सो छोटी आवाज को पहचानिए और अपने जो डिसाइड किया है वो कीजिए, पूरी शक्ति, प्राण, उद्देश्य, इरादा और हर्ष के साथ। थैंक यू।